Hello everyone. Today in this tutorial we will be designing this part using sweep command. So this is the top view of this part, this is the front view, and this is the side view of this part. So let's start. So hum log create sketch par jayenge. Pehle hum log top plane select karenge. Ye wala part pehle design karenge. So iska diameter kitna hai? Iska diameter hai 290, जो आउटर डायमीटर है वो 290 mm है, तो इधर 290 mm एंटर करेंगे. सो फिनिश स्केच करेंगे. हम लोग ये पाथ बना लेते हैं इसके लिए, तो क्रिएट स्केच पर जाएंगे, फ्रंट प्लेन चूज करेंगे. फ्रंट प्लेन में हम लोग आ गए हैं, तो अब इसमें हम ये एक रफ स्केच बना लेते हैं ये पाथ का. तो लाइन सिलेक्ट करिए, अब डायमेंशन दे देते हैं. तो ये आर रेडियस है 260 mm का, तो फिलेट लगाते हैं रेडियस 260 mm का. एंटर प्रेस करिए. एंड इसकी डायमेंशन दे देते हैं 150 mm. सिमिलरली इसकी डायमेंशन दे देते हैं 150 mm. हमारा स्केच रेडी हो गया है, फिनिश स्केच करेंगे. अब हम स्वीप कमांड पे जाएंगे, स्वीप कमांड इधर से चूज करेंगे. इस पार्ट को, सर्कुलर पार्ट को हम लोग प्रोफाइल बोलते हैं एंड इस पार्ट को हम लोग पाथ बोलते हैं. तो इसमें हम लोग को पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करना पड़ेगा. प्रोफाइल सिलेक्ट किया, पाथ सिलेक्ट करेंगे, तो ये हमारा पार्ट ऐसा रेडी हो जाएगा. सो प्रेस ओके. सो हमारा ये पोर्शन हमारा रेडी हो गया है. अब हम लोग को ये अपर पोर्शन हम लोग को बनाना है, तो फिर से क्रिएट स्केच पे जाएंगे, ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे. तो अब ये रेक्टेंगल हम लोग को ये देख रहे हो, इसमें थिकनेस है, तो हम लोग को ये थिकनेस बनाने के लिए तो हम लोग फिर से एक सर्कल चूज करेंगे जिसका डायमीटर 210 mm हो. तो सर्कल बनाया, फिनिश स्केच करेंगे. अब इस तरह पोर्शन को हमको कट करना है. तो पहले ये जो स्केच है इसको अनहाइड करेंगे, ओरिजिन को हाइड करेंगे. स्वीप कमांड को फिर से चूज करेंगे, प्रोफाइल सिलेक्ट करेंगे, पाथ में इसको सिलेक्ट करेंगे. अब हम लोग इधर कट ऑपरेशन चूज करेंगे, क्योंकि हम लोग को ये पार्ट हॉलो बनाना है. तो इधर कट ऑपरेशन चूज किया और प्रेस ओके. सो हमारा इतना पार्ट, ये हमारा पार्ट हम हॉलो हो गया है. सो अब ये स्केच को हाइड कर देंगे. हम लोग का इतना पोर्शन रेडी हो गया है. अब ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ये बनाना है, तो फिर से हम लोग क्रिएट स्केच पे जाएंगे, ये प्लेन सिलेक्ट करेंगे. तो हम लोग को अब रेक्टेंगल बनाना है 360 क्रॉस 360 का. तो रेक्टेंगल कमांड पे गए, सेंटर रेक्टेंगल चूज किया, इधर 360 mm एंटर करेंगे. टैब बटन प्रेस करेंगे 360. सो प्रेस एंटर. तो हमारा ये रेक्टेंगल रेडी हो गया है. सो हमको अब फिनिश स्केच पे क्लिक करेंगे. अब हम लोग को इतना पोर्शन नीचे एक्सट्रूड करना है, तो एक्सट्रूड कमांड को चूज करेंगे, इतना पोर्शन सिलेक्ट करेंगे. एंड ये mm हम लोग को दे रखा है कितना नीचे एक्सट्रूड करना है, तो 50 mm हम लोग को दे रखा है. तो इधर हम लोग -50 mm एंटर करेंगे, प्रेस ओके. तो हम लोग का ये पोर्शन दिखने लगा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन. पर हम लोग को इधर ये चार होल बनाने हैं. तो फिर हम लोग फिर से स्केच को सिलेक्ट करेंगे, ये दिस प्लेन को सिलेक्ट करेंगे. अब हम लोग को ये चार सर्कल
हम लोग को बनाने हैं। तो इनकी डायमेंशन दे रखी है टू, इधर से 130 mm एंड इधर से 130 mm। सो रेफरेंस के लिए इधर हम लोग 130 mm एंटर करेंगे, इधर भी 130 mm। अब हम लोग को सेंटर मिल गया है इस रेक्टेंगल का। सो हम लोग को डायमीटर पता है इस बड़े वाले सर्कल का, तो डायमीटर कितना है, डायमीटर इधर दे रखा है 60 mm एंड स्मॉलर सर्कल का डायमीटर दे रखा है 30 mm। तो सर्कल कमांड को चूज करेंगे, सिक्सटी एंटर करेंगे। नाउ अब स्मॉलर सर्कल का डायमीटर चूज करेंगे, इधर 30 mm एंटर करेंगे। सो हम लोग का एक सर्कल बन गया है, तो इस लाइन को डिलीट करेंगे। अब हम लोग को ऐसे ही चार सर्कल इधर हम लोग को क्रिएट करना है, इस साइड, इधर एंड इधर। तो हम लोग मिरर कमांड का यूज करेंगे। तो उसके लिए पहले सेंट्रल एक्सिस बनानी होगी, तो एक सेंट्रल एक्सिस पहले से बनी हुई है तो एक और बना लेते हैं। अब हम लोग क्रिएट में जाके मिरर कमांड को चूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट पहले सिलेक्ट करेंगे। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया, मिरर लाइन चूज करेंगे, तो प्रेस ओके। ये सर्किल हमारा मिरर हो गया है। अब ऐसे हम लोग इधर करेंगे नीचे मिरर करने के लिए, तो अगेन मिरर कमांड को चूज करेंगे, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, मिरर लाइन चूज करेंगे, फिर तो अगेन इधर मिरर हो गया। अब इधर भी हम लोग को मिरर करना है, तो सेम प्रोसीजर, मिरर मिरर लाइन सेलेक्ट करेंगे, प्रेस ओके। तो हमारा चारों सर्किल रेडी हो गए हैं, तो फिनिश स्केच करेंगे एंड ये जो अंदर का जो सर्कल है वो पूरा कट है, पूरा होल पोर्शन में कट है। एंड जो बाहर वाला सर्कल है उसकी ये कट लेंथ दे रखी है 10 mm। तो एक्सट्रूड, तो एक्सट्रूड कमांड को चूज करेंगे, चारों सेंट स्मॉलर सर्कल को चूज करेंगे एंड इधर इन इसको ड्रैग कर देंगे नीचे, प्रेस ओके। तो ये पूरा होल हो गया है इस सर्कल में एंड हम लोग का बाहर का आउटर सर्कल डायमीटर शो नहीं हो रहा है, तो स्केच को अनहाइड करेंगे एंड ये कट लेंथ दे रखी है 10 mm। तो एक्सट्रूड कमांड पे जाएंगे, चारों सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एंड एरो नीचे, तो इसमें हम लोग को 10 mm एंटर करना है। सो -10 इधर कट ऑप्शन चूज होना चाहिए। तो हम लोग का ये कमांड, हम लोग का ये बन गया है इतना पोर्शन जैसा कि ये फिगर में दे रखा था। सो सिमिलर प्रोसीजर हम लोग को इधर करना होगा। सो अगेन गो टू दिस क्रिएट स्केच, सिलेक्ट दिस प्लेन। सिमिलरली हम लोग को 360 x 360 का रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल कमांड पे जाएंगे, सेंटर, इधर से 360 एंटर करेंगे, टैब बटन दबा के दूसरा साइड एंटर करेंगे 360। सो प्रेस एंटर, तो फिनिश स्केच पे जाएंगे। अब इसको